ये वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 2 है, तो इसमें हमने सबसे पहले जानेंगे सिंगल प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करते हैं रेंडक पीओएस गोल्ड एडिशन में। तो उसके लिए आपने जाना है प्रोडक्ट्स में जाइए दोस्तों, आप जो भी प्रोडक्ट है अपना प्रोडक्ट का नाम इधर लिखिए, एप्पल माउस फॉर एग्जाम्पल आप कैपिटल लेटर में लिख सकता है स्मॉल लेटर में लिख सकता है, एप्पल माउस करके इधर डाल दिए, और जीएसटी टाइप आपने डाल सकते हैं, जीएसटी में आपने सेल करते हैं और समाधान प्लान में सेल करते हैं। तो यहाँ आप अपने लोकल लैंग्वेज में टाइप किया तो यानी आपको जो फॉर एग्जाम्पल मलयालम में या हिंदी में यानी किस और लैंग्वेज में यहाँ टाइप करेंगे यानी इधर कुछ नेम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे जब बिल प्रिंट होती है तो ये लैंग्वेज में प्रिंट हो जाएंगे, वो भी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। और उसमें कैटेगरी वगैरह ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इवन नया कैटेगरी इधर से शुरू करने के लिए आपको प्लस बटन इधर दिया हुआ है हर चीज ऐड करने के लिए, यहाँ से प्लस बटन डाल करके अभी आपको नया कैटेगरी ऐड कर सकता है। तो एचएसएन कोड आपने डाल सकता है, पार्ट नंबर है तो पार्ट नंबर भी डाल सकता है, मतलब गारमेंट्स वगैरह होती है तो उसको डिजाइन नंबर वगैरह वो है आपको पार्ट नंबर में डाल सकता है, और ये जो है डिस्क्रिप्शन अगर है तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन इधर डाल सकता है, और जो प्रोडक्ट का जो बटन्स का कलर वगैरह चूज करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, और परचेज प्राइस समझ लीजिए 100 रुपीज है और सेल प्राइस समझ लीजिए आपको 150 रुपीज है, ये आपने डाल सकता है, और होलसेल प्राइस आपको फॉर एग्जाम्पल 140 में सेल करना है वो भी कर सकता है, और रीऑर्डर पॉइंट मतलब मिनिमम स्टॉक मेंटेन करने के लिए ऑप्शन, और ओपनिंग स्टॉक आपने 100 रुपीज डाल दिया, और ये जो है बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी का भी ऑप्शन है, यानी जैसा बारकोड स्कैन करेंगे जैसे कपड़े वगैरह का दुकान में क्या होता है जैसा शर्ट का वगैरह पीस होता है 1.5 मीटर या 1.8 मीटर ये ऑटोमेटिकली ये आ जाती है, ये डिफॉल्ट क्वांटिटी के ऑप्शन है। और आपको देखिए यहाँ नंबर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, ये देखिए नंबर, और ये देखिए आपको ऑटोमेटिकली बारकोड यहाँ जनरेट हो चुका है, इनकेस आपका यानी प्रोडक्ट को बारकोड यानी बाय डिफॉल्ट कंपनी बारकोड है ये इसको निकाल के आपका अपना बारकोड गन से इधर स्कैन कर सकता है, और आपका जीएसटी वगैरह जो भी है आपको सीजीएसटी एसजीएसटी करके डाल सकता है, और रिटेल डिस्काउंट अमाउंट वगैरह ये डाल सकता है, और होलसेल डिस्काउंट अमाउंट भी आपने डाल सकता है। उसके बाद आपको इधर देखिए एक्सपायरी डेट डालने के लिए भी ऑप्शन है इधर दिया हुआ, देखिए अगर ये प्रोडक्ट को एक्सपायरी डेट अगर डालना है आप डाल दीजिए और उसको यानी सेव कर सकता है, ये एप्पल माउस है 0649 है इसका बार कोड, ये आपने सक्सेसफुली सेव हो चुका है, इवन आपने सेल्स पैनल में जाएंगे तो एप्पल माउस ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है, APP एप्पल माउस करके आया, हमने जो अमाउंट डाल दी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है दोस्तों, अगर हमने होलसेल में करना है तो होलसेल अमाउंट इधर आ जाती है, देखिए होलसेल अमाउंट 140 आया, और आपने रिटेल में सेल करना था 150 आ जाएंगे, देखिए एप्पल और इसको सेलेक्ट करिए देखो 150 आया हुआ है रिटेल, यानी आपको इधर भी होलसेल एंड रिटेल अल्टरनेट करने के लिए ऑप्शन इधर दिया हुआ दोस्तों। इस तरीके से वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन है, अभी नेक्स्ट क्या है एक्सेल से भी और परचेस एंट्री के थ्रू कैसे प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।